गुड मॉर्निंग बच्चों, मेरा नाम ज्योति पांडे है। आज हम मैथ्स वन में पहला जो पार्ट है समुच्चय, उसके बारे में उसका रिवीजन करेंगे। समुच्चय चैप्टर जो है वो हम पढ़ चुके हैं, उसका एक बार पूरा रिवीजन भी हो चुका है। तो अब इसका जो प्रकीर्ण प्रश्न संग्रह है, प्रकीर्ण प्रश्न संग्रह जैसे हमने देखा है कि जितने भी क्वेश्चन, जितने भी प्रकार के हम क्वेश्चन सॉल्व कर चुके हैं पहले, वो सभी हमारे प्रकीर्ण प्रश्न संग्रह में वैसे उदाहरण दिए होते हैं। तो प्रकीर्ण प्रश्न संग्रह का भी हमारा रिवीजन पहले हो चुका है, आज हम उसको फिर से एक बार रिवाइज करेंगे। जैसे इसमें मैंने आपको बताया था, प्रश्न पहला जो रहेगा, प्रश्न पहला और दूसरा, वो वैकल्पिक प्रश्न है, ऑप्शनल क्वेश्चन है। आपको चार ऑप्शन दिए रहेंगे, उस ऑप्शन में से आपको ढूंढ के सही उत्तर लिखना है। उसके बाद प्रश्न दूसरा जो है वो भी ऐसे ही रहेंगे, उसमें भी आपको ऑप्शन दिया रहेगा, उसमें से ढूंढ के आपको उत्तर लिखना है। बच्चों, परीक्षा में जो हमारा प्रश्न पहला आता है वो 1 मार्क्स का क्वेश्चन होता है। 1 मार्क्स के क्वेश्चन के लिए आपको ऑप्शन दिया रहेगा, जो पार्ट है उसमें ऑप्शन दिया रहता है, उसमें से आपको ढूंढ के लिखना रहता है। और जो इसका ब पार्ट है, प्रश्न पहले का ब पार्ट जो है, उसमें भी 1 नंबर के ही प्रश्न रहते हैं, लेकिन वो छोटे छोटे प्रश्न रहते हैं जो हल करके आपको उत्तर निकालना रहता है। तो बच्चों, हम यहाँ पे हमारा जो पहला प्रकीर्ण प्रश्न संग्रह है समुच्चय का, वो शुरू करते हैं। इसका जो बेसिक है, इसका इसके जो आगे के क्वेश्चन है वो सब हम पढ़ चुके हैं, तो हम इसे रिवाइज करते हैं। शुरू करते हैं हम अपने पहले प्रश्न से। जैसे यहाँ पे आप देखोगे, आपको पहला प्रश्न दिया हुआ है, m बराबर 1, 2, 3, n बराबर 2, 4, 6। क्या निकालना है हमको? m प्रतिच्छेदन n। m प्रतिच्छेदन n क्या होगा ये आपसे पूछा गया है, और आपको चार ऑप्शन दिए हुए हैं, आपको उसमें से ढूंढ के उत्तर लिखना है। अब बच्चों, प्रतिच्छेदन मतलब क्या होता है हम पढ़ चुके हैं। प्रतिच्छेदन मतलब होता है कि जो दोनों में सेम हो, मतलब आपके दोनों समुच्चय में जो घटक समान हो, कॉमन हो, वो इसमें आता है। अब यहाँ पे हम देखेंगे, जैसे आपका हम लेते हैं m से शुरू करते हैं, m में दिया है 1, 3, 5। m में आपको दिया था 1, 3, 5। n में आपको दिया है 2, 4, 6। m में 1, 3, 5, n में 2, 4, 6, और इसमें हमें देखना है कि क्या कॉमन है। अब अगर हम बात करें 1, 3, 5 की, तो n में आप देखोगे आपको कहीं भी 1, 3, 5 नहीं दिखाई दे रहा है। उसी तरह से अगर हम बात करें 2, 4, 6 की, तो n में कोई भी आपको 2, 4, 6 में से कोई भी घटक नहीं दिख रहे हैं। इसका क्या अर्थ हुआ? इसका अर्थ ये है कि दोनों समुच्चय में कोई भी ऐसे घटक नहीं है जो कॉमन हो, सेम हो। तो अगर सेम कोई घटक नहीं है, तो इसका अर्थ है कि दोनों का प्रतिच्छेदन क्या आएगा? रिक्त समुच्चय आएगा। उसके अंदर कोई भी घटक नहीं है, इसका अर्थ है दोनों का प्रतिच्छेदन रिक्त समुच्चय आएगा। तो m प्रतिच्छेदन n बराबर क्या हो जाएगा? रिक्त समुच्चय। अब आप देखोगे रिक्त समुच्चय के लिए हमें कौन सा विकल्प दिया है। जैसे पहला ऑप्शन जो है 1, 2, 3, 4, 5, 6 दिया है, ये गलत है। दूसरा है 1, 3, 5, ये भी गलत है। तीसरा सी में आपको रिक्त समुच्चय दिया है, तो इसका जो सही ऑप्शन है वो है उत्तर सी, जो कि रिक्त समुच्चय है। अब आते हैं हमारे दूसरे प्रश्न पे। दूसरा प्रश्न है पी बराबर एक्स, यह विषम प्राकृत संख्या है, विषम संख्या और प्राकृत संख्या है। तथा एक से बड़ा है और 5 से छोटा है या 5 के बराबर है। यहाँ पे आप देखोगे इसका वर्णन हमें कौन सी पद्धति में दिया गया है? गुण वर्णन पद्धति में। तो अगर इसका हम सूची पद्धति निकालें तो हम कैसे निकालेंगे? यहाँ पे आपको प्रश्न में 2 चीजें कही गई हैं, एक तो विषम संख्या, दूसरा प्राकृत संख्या। प्राकृत संख्या मतलब 1 से शुरू होगा, 1, 2, 3, 4, 5, 6 सभी धनात्मक संख्याएं जो 1 से शुरू होंगी।
विषम संख्या मतलब जिसमें दो से भाग नहीं जा सकता है, जिसके इकाई स्थान पे एक तीन पांच सात नौ इस तरह से हो, जिसमें दो से भाग नहीं जा सकता है। तो ये ऐसी संख्या है जो विषम प्राकृत संख्या है। और क्या इसमें कंडीशन दिया है कि ये संख्या जो है वो एक्स से, एक्स जो संख्या है वो एक से छोट, एक से बड़ी होनी चाहिए। एक्स आपका जो है वो एक से बड़ा होना चाहिए और पांच से छोटा या पांच के बराबर होना चाहिए। तो अगर एक के बाद की विषम संख्या की हम बात करते हैं तो एक के बाद कौन सी संख्या आती है? तीन। तो यहाँ पे हमारी पहली संख्या क्या हो जाएगी? तीन। दूसरी संख्या, अब आगे क्या कहा है, पांच के बराबर हो या पांच से छोटी हो। तो पांच के बराबर हो तो हम पांच ले सकते हैं। अब इसके बाद हम सात नहीं ले सकते। क्यों नहीं ले सकते? क्योंकि x जो है वो हमारा पांच से छोटा होना चाहिए या पांच के बराबर होना चाहिए, तो यहाँ पे हम सात नहीं ले सकते। तो यहाँ पे आपका ये कोष्टक जो है समुच्चय का ये बंद हो गया। तो इसमें p का मान क्या होगा? तीन और पांच होना होगा। तो हमें ऑप्शन देखना है कि हमारा कौन सा ऑप्शन है जो तीन और पांच बताता है। तो यहाँ पे आप देखोगे ए में है एक तीन पांच, बी में है एक दो तीन चार पांच, सी में है एक तीन और डी में है तीन पांच। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन डी, तीन और पांच, ये इसका सही उत्तर है। अब आते हैं हमारे तीसरे प्रश्न पे। तीसरे प्रश्न में आपको एक समुच्चय दिया हुआ है, जैसे p बराबर एक कॉमा दो कॉमा तीन और ये खत्म कहां पे हो रहा है? दस पे। तो यह किस प्रकार का समुच्चय है? ऐसे प्रश्न भी हम हल कर चुके हैं, इनफैक्ट इस प्रश्न को भी हम पहले हल कर चुके हैं। तो एक तीन पांच दस पे खत्म होता है तो ये किस प्रकार का समुच्चय है? तो बच्चों समुच्चय के प्रकार में हमने देखा था सीमित समुच्चय, अनंत समुच्चय, रिक्त समुच्चय, एकल समुच्चय। सीमित समुच्चय क्या होता है? जो कहाँ पे खत्म होगा उसकी जो सीमा है वो हम बता सकते हैं कि ये समुच्चय यहाँ से शुरू होगा, यहाँ पे खत्म होगा। तो जिसका, जिसकी हम सीमा बता सकते हैं कहाँ खत्म हो रहा है ये बता सकते हैं, वो कौन सा समुच्चय होगा? सीमित समुच्चय होगा। जिसका निर्धारित नहीं होता, जैसे अगर हम बात करें प्राकृत संख्या की, हमें मालूम है प्राकृत संख्या कहाँ से शुरू होगी? एक से। लेकिन वो जाती कहाँ है? अनंत तक जाती है, जिसकी सीमा नहीं होती तो वो अनंत समुच्चय होगा। लेकिन यहाँ पे आप देखोगे एक से शुरू होके कहाँ खत्म हो जा रहा है? दस पे। तो ये हमें मालूम है कि एक दो तीन चार पाँच छः सात आठ नौ दस, इतनी ही संख्या इसके अंतर्गत, इतने ही घटक इसके अंतर्गत होंगे। तो इसलिए ये कौन सा समुच्चय हो जाएगा? सीमा निर्धारित है तो कौन सा समुच्चय होगा? सीमित समुच्चय। तो इसका उत्तर है ये समुच्चय का कौन सा प्रकार है? सीमित। और सीमित के लिए आप देखोगे आपको कौन सा ऑप्शन दिया गया है? ऑप्शन सी दिया गया है। तो ये है सीमित समुच्चय, ऑप्शन सी सीमित समुच्चय, ये इसका सही उत्तर है। अब हम आते हैं अपने अगले प्रश्न अर्थात चौथे प्रश्न पे। चौथे प्रश्न में आपको दिया गया है कि m संघ n बराबर एक दो तीन चार पांच छः M है एक दो चार, समुच्चय M का मान आपको दिया है एक दो चार। आपसे क्या कहा गया है कि आपको N समुच्चय नीचे दिए गए ऑप्शन में से ढूंढ के लिखना है, हमें N समुच्चय बताना है। अब बच्चों N में क्या आएगा? अगर आपको संघ दिया है, संघ मतलब क्या होता है? M और N दोनों को मिला के, वो आपको संघ दिया हुआ है। आपको M समुच्चय भी दिया है तो वो सभी घटक जो संघ में हैं और M में नहीं है वो तो N में आएंगे ही, उसके अलावा M के घटक भी उसके अंतर्गत आ सकते हैं। अब जैसे अगर आप देखें तो यहाँ पे है एक, यहाँ भी एक है, दो यहाँ भी दो है, ये एक हो गया, ये दो हो गया, ये चार हो गया, बचा क्या? क्या तीन पांच छः,
इसका अर्थ है आपके एन में 3, 5, 6 ये तीन घटक आने ही चाहिए, उसके अलावा भी अगर घटक होंगे फिर भी चलेगा, लेकिन 3, 5 और 6 ये होना ही चाहिए। अब आपको जो चार ऑप्शन दिए हैं उसमें हम देखते हैं कि 3, 5 और 6 किसके अंतर्गत आते हैं। अब जैसे आप ऑप्शन पहला देखोगे 1, 2, 3 तो यहाँ पे आप देखेंगे 5 और 6 नहीं है, तो इसका अर्थ है कि ये ऑप्शन गलत है। अगर हम बात करें ऑप्शन बी की, ऑप्शन बी में आपको दिया है 3, 4, 5, 6 हमें इसमें 3, 5, 6 चाहिए था, 3, 5, 6 आपको दिया हुआ है। फिर मैंने आपको कहा कि बाकी की संख्या में से अगर रिपीट होता है तो कोई बात नहीं, हम उसको भी लिख सकते हैं। तो इसमें आपको 3, 5, 6 जो हमारा हमारी जरूरत थी एम संग एन में जो दिया हुआ है 3, 5, 6 वो एन में एम में नहीं दिया है, तो एन में होना चाहिए। तो एन में होने के लिए इसका हम कौन सा ऑप्शन दिया है जो सही है, ऑप्शन बी, जिसके अंतर्गत आपको संख्या क्या दी गई है 3, 4, 5, 6 तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी 3, 4, 5 और 6। अब हम आते हैं अपने अगले प्रश्न पे अर्थात पांचवे प्रश्न पे। पांचवा प्रश्न है यदि P उपसमुच्चय है M का तथा तो P प्रतिच्छेदन P संघ M कौन सा समुच्चय होगा। अब बच्चों उपसमुच्चय है, P जो है वो M का उपसमुच्चय है, इसका क्या अर्थ है कि P के अंतर्गत जितने भी घटक होंगे वो सभी घटक किसके अंदर होंगे, M के अंदर होंगे। जैसे समझिए P में अगर 1, 2, 3 है तो M में 1, 2, 3 होगा ही, उसके अलावा और भी घटक 4, 5, 6 भी हो सकते हैं, ये तो एक उदाहरण लिया गया। तो P में जितने भी घटक हैं वो सभी घटक कहाँ पे होंगे, M में होंगे। अब अगर हम P संघ M निकालते हैं, अगर दोनों का संघ निकालते हैं तो एक तो P के सभी घटक M में हैं, तो संघ के लिए हम इसमें क्या लिखेंगे, सिर्फ M के घटक लिखेंगे। अगर P संघ M हम निकालते हैं तो इसके लिए उत्तर हमें क्या मिलेगा, समुच्चय M। अगर इसका पूरे का उत्तर हमारा समुच्चय M है, पी प्रतिच्छेदन एम निकालेंगे, पी प्रतिच्छेदन एम तो वो क्या हो जाएगा, सभी समुच्चय पी का घटक हो जाएगा। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन पी या समुच्चय पी। तो आप देखेंगे समुच्चय पी के लिए आपको कौन सा ऑप्शन दिया है, ऑप्शन ए में आपको दिया है समुच्चय पी, तो ये इसका सही उत्तर है। अब हम आते हैं अपने छठे प्रश्न पे। छठा प्रश्न है निम्नलिखित में से कौन सा रिक्त समुच्चय है। रिक्त समुच्चय का अर्थ क्या है, वो समुच्चय जिसके अंतर्गत कोई भी घटक नहीं है, कोई भी ऐसी संख्या नहीं है जो इसके अंतर्गत आए। तो निम्नलिखित में से कौन सा समुच्चय रिक्त समुच्चय है, प्रश्न लिख लेते हैं। कौन सा समुच्चय रिक्त समुच्चय है। अब हम चारों ऑप्शन पे चर्चा करेंगे। अब यहाँ पे बच्चों आप देखोगे पहला ऑप्शन है समांतर रेखाओं के प्रतिच्छेदन बिंदुओं का समुच्चय। समांतर रेखा क्या होती है, वो रेखा जो प्रतिच्छेदित नहीं करती, इसको अगर आप कितना भी बड़ा करते जाओ, ये दोनों रेख समझो एल और एम है, इसको हम कितना भी बड़ा करते जाएं ये रेखा जो है वो किसी भी बिंदु पे प्रतिच्छेदित नहीं करेगी, अर्थात एक दूसरे को नहीं काटेगी। तो अगर इसका हम समुच्चय निकालते हैं तो आगे आपको कहीं भी कोई भी बिंदु ऐसा नहीं मिलेगा जिसपे ये रेखा प्रतिच्छेदित करे। तो इसके समुच्चय के लिए, इसके समुच्चय में लिखने के लिए हमारे पास कोई घटक नहीं है, इसका अर्थ है कि ये क्या होगा, रिक्त समुच्चय। अब पहला जो ऑप्शन है वो तो हमारा रिक्त समुच्चय हमें मिल गया। अगर हम, आप चाहो तो हम आगे के ऑप्शन पे भी चर्चा कर सकते हैं, जैसे दूसरा है सम अभाज्य संख्या का समुच्चय। तो दो ऐसा है जो सम संख्या है और अभाज्य संख्या है,
तो इसके अंतर्गत भी हमारा उत्तर दो आ जाएगा। तीसरे ऑप्शन की बात करें, 30 से कम दिन वाले महीनों का समुच्चय, तो 30 से कम दिन किस महीने में होता है, हमें मालूम है फरवरी 28 का होता है महीना, और चार वर्ष में जब लीप ईयर आता है तो वो 29 का होता है। लेकिन 28 का हो या 29 का हो, फरवरी जो है वो हमेशा 30 दिन से कम का होता है। तो इसका अगर हम समुच्चय लिखेंगे तो इस समुच्चय में आपका उत्तर फरवरी आएगा। उसके बाद हम बात करें अगला डी ऑप्शन की, तो एक्स जो है वो इंटीजर्स है, एक्स जो है वो इंटीजर्स है, उसका मान जो है माइनस एक से बड़ा और एक से छोटा होना चाहिए, माइनस एक से बड़ा और एक से छोटा। तो वो कौन सी संख्या है जो माइनस एक से बड़ी हो और एक से छोटी, तो इसके अंतर्गत भी हमारा उत्तर शून्य आ जाएगा, जीरो आ जाएगा। जीरो ऐसा पूर्णांक है जो माइनस एक से बड़ा है और एक से छोटा है। तो अगर हम ऑप्शन बी सी और डी की बात करें तो तीनों ऑप्शन में लिखने के लिए हमारे पास कोई ना कोई घटक मौजूद है। लेकिन अगर हम ऑप्शन ए की बात करें तो ए में हमारे पास कोई भी घटक नहीं आएगा, क्योंकि इन दो रेखाओं का प्रतिच्छेदन बिंदु हमें कहीं भी प्राप्त नहीं होगा। तो अगर ये रिक्त समुच्चय है तो इसके लिए सही ऑप्शन क्या होगा, ऑप्शन ए, विकल्प ए जो आपको दिया है, समांतर रेखाओं का प्रतिच्छेदन बिंदु, ये इसके लिए सही ऑप्शन होगा। तो इसका उत्तर आप लिखोगे ऑप्शन ए, समांतर रेखाओं का प्रतिच्छेदन बिंदु। प्रतिच्छेदन बिंदु का समुच्चय। ये इसका सही उत्तर है। तो बच्चों ये हमारा प्रश्न पहला कंप्लीट हो गया। अगर आप चाहो तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, फिर हम आते हैं अपने प्रश्न दूसरे पे। बच्चों प्रश्न दूसरा आप देखोगे इसमें भी इसी तरह के ऑप्शन वाले क्वेश्चंस दिए हुए हैं। इसमें हमें पहला जो प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प समुच्चय है, प्रश्न पहला कौन सा विकल्प समुच्चय है, चार ऑप्शन दिए हैं, इसमें से आपको समुच्चय पहचानना है। जैसे अगर हम बात करें पहले ऑप्शन की, पहला ऑप्शन है इंद्रधनुष के रंग। हमें मालूम है इंद्रधनुष में कितने रंग होते हैं, सात रंग होते हैं। ये सात रंग जो होता है विद्योर, वी आई बी जी ओ आर, ये शॉर्ट फॉर्म है। जैसे आपका हो गया वी से वॉयलेट हो गया, मतलब बैगनी हो गया, नीला हो गया, आसमानी, हरा, पीला, ऑरेंज, लाल, इस तरह से हम उसको सात रंगों का वर्णन करते हैं। अब वो सात रंग जो है वो फिक्स है, आप अगर उसमें चाहो कि लाल की जगह सफेद डाल दो, पीले की जगह काला डाल दो, तो ऐसा नहीं होगा। वो सात रंग जो इंद्रधनुष के हैं वो निश्चित हैं, फिक्स हैं। उसका उत्तर अगर मैं लिखूंगी फिर भी वही सात रंग आएंगे, आप लिखोगे फिर भी वही सात रंग आएंगे। तो समुच्चय की जो हमारी परिभाषा थी, पाठ शुरू करने के पहले ही हमने समुच्चय की परिभाषा देखी थी। समुच्चय में क्या था कि निश्चित घटक आते हैं और डिफाइन घटक आते हैं, जिसकी हम परिभाषा बता सकते हैं। तो निश्चित घटक इसके अंतर्गत आते हैं, जिस समूह में निश्चित घटक आते हैं वो समूह समुच्चय कहलाता है। तो ऑप्शन ए जो है इंद्रधनुष के रंग, ये हमारा समुच्चय का उदाहरण है। अगर हम बात करें ऑप्शन दो की, पाठशाला के प्रांगण के ऊंचे वृक्ष, हमारे पाठशाला के जो हमारा प्रांगण है उसमें ऊंचे वृक्ष। अब ऊंचे वृक्ष ऐसा हो सकता है आपके स्कूल में आम का पेड़ जो है वो सबसे ऊंचा हो, हमारे यहाँ पे कोई और पेड़ हो जो सबसे ऊंचा हो, तो इसमें क्या होगा, हमारा जो उत्तर है वो अलग अलग होगा। इसका उत्तर जो है वो फिक्स नहीं है, डिफाइन नहीं है। तो इसका अर्थ है कि ऑप्शन बी जो दिया हुआ है वो आपका समुच्चय नहीं है। समूह हो सकता है वो,
लेकिन समुच्चय नहीं है। ऑप्शन तीन है गांव में रहने वाले अमीर लोग, ये भी समुच्चय नहीं है क्योंकि इसका उत्तर भी फिक्स नहीं है, डिफाइन नहीं है। फिर है किताब के आसान उदाहरण, इसके लिए भी सभी का आंसर सेम नहीं होगा, आपको कोई और एग्जांपल इजी लगते होंगे, आपके किसी दोस्त को कुछ और इजी लगता होगा, तो इसका उत्तर भी जो है वो सेम नहीं होगा, फिक्स नहीं होगा। तो अगर हम ऑप्शन चारों ऑप्शन की बात करें ए बी सी डी, तो यहाँ पे सिर्फ ए जो मिला है इंद्रधनुष के रंग, ये समुच्चय होगा, बाकी बी सी डी जो है ये तीनों ऑप्शन समुच्चय के उदाहरण नहीं है। तो यहाँ पे इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए इंद्रधनुष के रंग। दूसरे प्रश्न पे आते हैं हम, एन प्रतिच्छेदन डब्लू, समुच्चय निम्नलिखित समुच्चय में कौन सा है? बच्चों हमें मालूम है एन का अर्थ क्या है, एन होता है प्राकृत संख्या। प्राकृत संख्या जो कहां से शुरू होती है, एक से, एक दो तीन कहां तक जाती है, अनंत तक जाती है। W का क्या अर्थ है, पूर्ण संख्या। ये पूर्ण संख्या शुरू होती है जीरो से, कहां तक जाती है, अनंत तक जाती है। अब आपको N और W का प्रतिच्छेदन बताना है। यहाँ पे प्रतिच्छेदन, प्रतिच्छेदन का क्या अर्थ होता है कि जो आपके दोनों समुच्चय में सेम हो। यहाँ पे आप देखो के, सॉरी प्रतिच्छेदन बताना है, यहाँ पे आप देखोगे एक दो तीन अनंत तक है और यहाँ पे आप देखोगे जीरो एक दो तीन ये अनंत तक है। मतलब यहाँ पे एक जीरो जो है वो एक्स्ट्रा है, बाकी आगे की जो संख्या है वो सब सेम है, सब समान है। तो इसका अर्थ है अगर हम इसका प्रतिच्छेदन निकालेंगे तो एक दो तीन चार ये अनंत तक आएगा, जीरो को छोड़ के बाकी जो सब है वो दोनों में कॉमन है। यहाँ पे आप देखोगे इतनी संख्या और ये इतना पार्ट जो है दोनों में सेम है, जीरो को छोड़ के बाकी जो पार्ट है वो दोनों में सेम है। तो इसका अर्थ है अगर इसका हम प्रतिच्छेदन निकालेंगे तो इसका प्रतिच्छेदन क्या आएगा, एक दो तीन ये कहाँ तक जाएगा, अनंत तक। अब इसके लिए आप देखोगे कौन सा ऑप्शन आपको दिया है, ऑप्शन ए में ही आपको ये दिया है एक दो तीन अनंत तक, तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए। फिर हम आते हैं अपने अगले प्रश्न, प्रश्न तीसरे पे, इंडियन इस शब्द के अक्षर हैं, इंडियन आपको शब्द जो है उसके अक्षर लिखने हैं। एक्स यह इंडियन इस शब्द के अक्षर हैं। X इंडियन इस शब्द के अक्षर हैं। तो यहाँ पे हमें क्या लिखना है बच्चों, इंडियन जो स्पेलिंग है, अंग्रेजी शब्द जो INDIAN है, इसके आपको अक्षर लिखने हैं। तो अक्षर लिखने के लिए क्या होगा, समुच्चय में एक बार अगर आप कोई भी घटक लिखते हो तो आपको वो दोबारा लिखने की जरूरत नहीं होती। अब यहाँ पे हम इसके अगर अक्षर की शुरुआत करें, कहां से शुरू होगा, आई से। दूसरा आपको क्या दिया है, N। तीसरा दिया है D। चौथा दिया है I। अब आप देखोगे एक बार हमने I लिखा है तो दोबारा हमें I लिखने की आवश्यकता नहीं है। उसके बाद क्या है, A। आपने A कहीं लिखा है, नहीं लिखा है, तो हमें A लिखना होगा। और अंत में क्या दिया है, N।
तो n हम पहले ही लिख चुके हैं, इसलिए आपको दोबारा n लिखने की आवश्यकता नहीं है। तो यहाँ पे ये समुच्चय जो है, इसका जो कोष्टक है वो बंद हो गया। तो इंडियन इस शब्द के अक्षर कौन कौन से होंगे, आई एन डी ए, ताकि हमने बाकी का आप देखोगे आई जो है दो बार रिपीट हो रहा है लेकिन आपको दो बार लिखने की जरूरत नहीं है। उसी तरह से ए जो है वो भी दो बार रिपीट हो रहा है लेकिन आपको दो बार लिखने की जरूरत नहीं है। अब इसके लिए, इस उत्तर के लिए आप देखोगे ऑप्शन आपको क्या दिया हुआ है, यहाँ पे ए में आई एन डी दिया है, ये गलत ऑप्शन है। बी में आप देखोगे आई एन डी ए दिया हुआ है, तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी, आई एन डी ए। अब हम आते हैं अपने प्रश्न दूसरे का, लास्ट क्वेश्चन चौथा जो है, चौथा प्रश्न, चौथे प्रश्न में है, यदि टी बराबर 1, 2, 3, 4, 5, और एम बराबर 3, 4, 7, 8, तो टी संग एम हमको लिखना है। टी संग एम का क्या अर्थ हुआ कि हमें सभी घटक लिखने हैं, इसके और इसके सभी घटक लिखने हैं, और घटकों को हम कितनी बार लिखेंगे, केवल एक बार। अगर रिपीट होता है तो उसे आपको दो बार लिखने की जरूरत नहीं है। शुरू करते हैं हम टी से, 1, 2, 3, 4, 5, ठीक है, हमने सभी घटक लिख दिए, 1, 2, 3, 4, 5। अब किसकी बारी आई, एम की बारी। अब जो हम पहले से लिख चुके हैं उसे आपको लिखने की जरूरत नहीं है। जैसे यहाँ पे आप देखोगे तीन है, हमने तीन पहले से लिखा है तो आपको लिखना नहीं है। फिर चार है, चार भी हमने पहले से लिखा है तो आपको लिखना नहीं है। फिर है सात, सात हमने नहीं लिखा था इसलिए आपको सात लिखना होगा। और अंत में है आठ, आठ भी हमने नहीं लिखा था इसलिए आपको आठ भी लिखना होगा। तो इसका टी संग एम, इसका उत्तर क्या आ जाएगा, 1, 2, 3, 4, 5, 7 और 8। इसके लिए आप देखोगे कौन सा ऑप्शन आपके बुक में दिया हुआ है। पहला विकल्प है 1, 2, 3, 4, 5, 7, पहले विकल्प में सिर्फ 1, 2, 3, 4, 5, 7 दिया है, 8 नहीं दिया है, तो ये इसका ऑप्शन ए जो है वो उसका उत्तर नहीं है। ऑप्शन बी में आप देखोगे 1, 2, 3, 7, 8 दिया है, 1, 2, 3, 7, 8, 4 और 5 नहीं दिया है, तो ऑप्शन बी भी इसका सही उत्तर नहीं है। ऑप्शन सी में अगर हम आते हैं तो उसमें आपको दिया है 1, 2, 3, 4, 5, 7 और 8, तो ऑप्शन सी जो है ये इसका सही उत्तर है। तो चौथे प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन सी। बच्चों स्क्रीनशॉट अगर आपको लेना है तो आप ले लीजिए, फिर हम अपना तीसरा प्रश्न हल करेंगे। बच्चों तीसरा प्रश्न जो है ये, अब पहला दूसरा जो था वो हमारा ऑप्शनल क्वेश्चन थे, वैकल्पिक प्रश्न थे, छोटे छोटे प्रश्न थे जिसको हमें हल करके ऑप्शन में से सही उत्तर ढूंढ के लिखना था। अब प्रश्न तीसरा जो है ये थोड़ा बड़ा प्रश्न रहेगा जिसे हमें हल करना है। अब इस प्रश्न में पहले हमें प्रश्न को, ऐसे प्रश्न आते हैं तो अच्छे से आपको पढ़ना होगा और समझना होगा कि आपको क्या क्या दिया हुआ है। जैसे अगर हम तीसरे प्रश्न की बात करें तो यहाँ लिखा है किसी समूह के 100 सदस्य, उस समूह में कुल कितने सदस्य हैं, 100, इसमें 72 सदस्य अंग्रेजी भाषा बोलते हैं, 72 लोग जो हैं वो बोलचाल में अंग्रेजी भाषा का प्रयोग करते हैं, फिर 43 सदस्य फ्रेंच भाषा बोलते हैं, 43 जो लोग हैं वो लोग कौन सी लैंग्वेज बोलेंगे, फ्रेंच बोलते हैं। ये 100 सदस्य अंग्रेजी तथा फ्रेंच, इनमें से कम एक भाषा बोलते हैं, मतलब जो 100 सदस्य हैं वो या तो अंग्रेजी बोलेंगे या तो फ्रेंच बोलेंगे या तो दोनों भाषा बोलेंगे। तो कितने सदस्य हैं जो सिर्फ अंग्रेजी बोलते हैं, कितने सदस्य हैं सिर्फ फ्रेंच बोलते हैं, और कितने सदस्य अंग्रेजी और फ्रेंच ये दोनों भाषाएं बोलते हैं। तो हम क्या करेंगे, हम शुरू करेंगे पहले कि अंग्रेजी कितने बोलते हैं, फ्रेंच कितने बोलते हैं, दोनों कितने बोलते हैं, फिर
फिर इससे हम शुरू करने के बाद आगे उसका प्रतिच्छेदन निकालेंगे और सिर्फ अंग्रेजी और फ्रेंच भाषा बोलने वाले सदस्यों की संख्या निकालेंगे। तो हम शुरू करते हैं, माना सिर्फ माना अंग्रेजी बोलने वाले सदस्यों का समुच्चय ए, माना अंग्रेजी बोलने वाले सदस्यों का समुच्चय ए है। तो अंग्रेजी में आपको कितनी संख्या दी गई है, आप अपने प्रश्न में देखोगे अंग्रेजी बोलने वाले सदस्यों की संख्या कितनी है, 72। तो एन मतलब नंबर ऑफ ए, अंग्रेजी बोलने वाले सदस्यों की संख्या कितनी है, 72। उसी तरह से माना फ्रेंच बोलने वाले सदस्यों का समुच्चय बी है। तो एन ऑफ बी कितना होगा, नंबर ऑफ बी मतलब बी बोलने वाले सदस्यों की संख्या कितनी होगी, 43। अब ये हमें प्रश्न में दिया हुआ है। आगे आपको क्या कहा है कि 100 सदस्य ऐसे हैं, ये जो 100 सदस्य हैं ये कुछ ना दोनों में से कोई ना कोई भाषा का प्रयोग करते हैं। तो अगर हम दोनों का संघ निकालें, कुल सदस्यों की संख्या दोनों का संघ निकालें, तो एन ऑफ ए संघ बी मतलब अंग्रेजी और फ्रेंच बोलने वाले सदस्यों की कुल संख्या कितनी है, तो 100 है। 100 सदस्य है जो इंग्लिश या फ्रेंच या दोनों लैंग्वेज बोलते हैं। अब हमारे पास बच्चों एक सूत्र था जो हमने पहले ही देखा था। उस सूत्र में हमें क्या था, एन ऑफ ए संघ बी बराबर एन ऑफ ए प्लस एन ऑफ बी माइनस एन ऑफ ए प्रतिच्छेदन बी। अब हमें नंबर ऑफ ए संघ भी मालूम है, नंबर ऑफ ए संघ भी कितना दिया है आपको प्रश्न, अगर आप देखोगे नंबर ऑफ ए संघ भी 100, तो इसकी जगह पे क्या आ जाएगा, 100 आ जाएगा। एन ऑफ ए कितना दिया है, 72। एन ऑफ बी कितना दिया है, 43। और ऐसे सदस्य जो अंग्रेजी और फ्रेंच दोनों बोलते हैं उनका नंबर हमें नहीं मालूम, सिर्फ अंग्रेजी बोलने वालों का मालूम है, सिर्फ फ्रेंच बोलने वालों का मालूम है। ऐसे जो दोनों बोलते हैं, सब बोलते हैं, या तो अंग्रेजी फ्रेंच या दोनों में से कुछ बोलते हैं, उसकी संख्या हमें मालूम है। लेकिन अंग्रेजी और फ्रेंच ये दोनों लैंग्वेज जानने वाले कितने लोग हैं इसकी संख्या हमें नहीं मालूम, तो इसे हम निकालेंगे। अब अगर हम यहाँ पे आपका आ जाएगा 100, इसको अगर हम जोड़ते हैं तो 4 में 2 जोड़ा तो ये हो गया आपका, सॉरी 3 में 2 जोड़ा तो आपका हो जाएगा 5, 4 में 7 जोड़ा तो 7 × 4 कितना होगा, 11 माइनस एन ए प्रतिच्छेदन बी। अब हमें एन प्रतिच्छेदन बी का मान चाहिए, हम पक्षांतर करेंगे, एन प्रतिच्छेदन सॉरी ए संघ ए प्रतिच्छेदन बी का मान चाहिए, एन ऑफ ए प्रतिच्छेदन बी बराबर 115। इस तरफ पहले से है, ये 100 जो है इसका पक्षांतर किया, यहाँ पे प्लस में है, पक्षांतर किया तो क्या हो जाएगा, माइनस, तो 115 माइनस 100, तो एन ऑफ ए प्रतिच्छेदन बी बराबर होगा, 115 में 100 को घटाया तो 15। तो ऐसे सदस्य जो अंग्रेजी और फ्रेंच दोनों भाषा जानते हैं तो कितने लोग हैं, 15। तो आप लिखोगे अंग्रेजी तथा फ्रेंच दोनों भाषा जानने वाले या दोनों भाषा बोलने वाले
सदस्य 15 हैं। अब बच्चों क्या पूछा है आपको, सिर्फ अंग्रेजी या सिर्फ फ्रेंच बोलने वाले सदस्यों की संख्या, सिर्फ अंग्रेजी या सिर्फ फ्रेंच बोलने वाले सदस्यों की संख्या, तो वो हम कैसे निकालेंगे। अब अगर बात करें हम अंग्रेजी की, तो 72 लोग हैं वो अंग्रेजी बोलते हैं, इस 72 में ये 15 भी आते हैं, तो अगर हम सिर्फ अंग्रेजी बोलने वाले लोगों को निकालें तो हमें क्या करना होगा, इस 72 में से 15 को घटाना होगा। तो केवल अंग्रेजी बोलने वाले सदस्य 15 अगर आप n ऑफ a में n ऑफ a प्रतिच्छेदन b को घटाते हो, n ऑफ a कितना था 72 और n ऑफ a प्रतिच्छेदन b कितना था 15, इसको अगर आप घटाते हो तो क्या हो जाएगा, यहां 12 आ जाएगा, 12 में से हम 5 घटाएंगे तो कितना आएगा 7, यहां पे 6 हो जाएगा, 6 में से 1 घटाएंगे तो 57 सदस्य ऐसे हैं जो सिर्फ अंग्रेजी बोलते हैं। इसी तरह से हम फ्रेंच निकालते हैं, केवल फ्रेंच बोलने वाले सदस्य, केवल फ्रेंच बोलने वाले सदस्य, तो इसका सूत्र आपका क्या होगा, n ऑफ b माइनस एन ऑफ ए प्रतिच्छेदन बी, तो एन ऑफ बी माइनस एन ऑफ ए प्रतिच्छेदन बी, एन ऑफ बी कितना निकाला था हमने 43, एन ऑफ ए प्रतिच्छेदन बी, आप देखोगे ए प्रतिच्छेदन बी हमें कितना मिला था 15, अगर हम 43 में से 15 को घटाते हैं ये आपका हो जाएगा 13, 13 में से 5 गए तो 5, 6, 7, 8, यहाँ पे 8 आ जाएगा, यहाँ बचेगा 3, 3 में से 1 गए 2, तो 28 सदस्य ऐसे हैं जो केवल फ्रेंच बोलते हैं। तो आपके प्रश्न में क्या पूछा था, ऐसे सदस्य जो सिर्फ इंग्लिश बोलते हैं, तो 57 सदस्य ऐसे हैं जो केवल अंग्रेजी बोलते हैं, 28 सदस्य ऐसे हैं जो केवल फ्रेंच बोलते हैं, 15 सदस्य ऐसे हैं जिनको अंग्रेजी और फ्रेंच दोनों भाषाएं आती हैं, और अगर इन कुल सदस्यों को मिलाए तो कुल सदस्यों की संख्या कितनी होगी, 100 होगी। कुल सदस्य वहां पे जो दिए गए थे वो कितने दिए गए थे, 100 दिए गए थे। तो बच्चों ये हमारा जो प्रश्न पहला, दूसरा, तीसरा, आज की कड़ी में हमने ये तीनों प्रश्न हल किए। प्रश्न पहला जिसमें हमने 6 प्रश्न देखे, उसके अंदर 6 आपको छोटे छोटे प्रश्न दिए गए थे, उसको हल किया। प्रश्न दूसरे में अगर हम देखें तो 4 प्रश्न आपको दिए गए थे जो हमने हल किए, और ये हमारा प्रश्न तीसरा। तो ये तीनों प्रश्न पे आधारित, अगर आपको कोई डाउट है, कोई शंका है, तो आप अपने प्रश्न पूछ सकते हैं। अगर आपको कुछ डाउट है इन तीनों प्रश्नों से रिलेटेड तो आप अपने प्रश्न पूछ सकते हैं। यहाँ पे एक बच्चे ने हैंड रेस किया है, आप अपने प्रश्न पूछिए। हेलो टीचर, गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग टीचर, आपने जब सेकंड का पढ़ाए थे, सेकंड का हम लोग को सेकंड वाला एन एन का हम लोग को पता नहीं था, लेकिन आपको कैसे पता चला कि ये प्राकृतिक संख्या है। प्रश्न दूसरे का दूसरा, हाँ टीचर, ये पूछ रहे ना। हाँ। तो बच्चों ये मैंने आपको ना जब हम समुच्चय पाठ पढ़ रहे थे तभी हम मैंने आपको बताया था कि प्राकृत संख्या, पूर्ण संख्या, पूर्णांक संख्या या परिमेय अपरिमेय, ये सभी जो संख्याएं होती हैं उसको हम किस अक्षर द्वारा दर्शाते हैं, ये मैंने आपको शुरू में जब हम समुच्चय का पाठ कर रहे थे तभी मैंने आपको बताया था। प्राकृत संख्या जो होती है अंग्रेजी में उसे नेचुरल नंबर कहा जाता है, नेचुरल नंबर n से शुरू होता है, इसलिए प्राकृत संख्या को n द्वारा दर्शाया जाता है। ये इन जनरल बात है, जैसे ये सारी चीजें ना हमें हमारे दिमाग में याद रखनी होगी कि जो प्राकृत संख्या होती है अंग्रेजी में नेचुरल नंबर कहा जाता है, इसलिए उसे अंग्रेजी के अक्षर n द्वारा दर्शाया जाता है। पूर्ण संख्या जो होती है उसे होल नंबर कहा जाता है,
W से शुरू होता है, होल नंबर, इसलिए पूर्ण संख्या को अंग्रेजी के अक्षर W द्वारा दर्शाते हैं। उसी तरह से अगर हम आगे बात करें पूर्णांक की, अंग्रेजी में इंटीजर्स कहा जाता है, तो पूर्णांक जब भी आता है तो उसे हम आई द्वारा दर्शाते हैं। तो ये इस प्रश्न में दिया हुआ नहीं है, लेकिन ये जो चीजें हैं वो हमको याद रखनी है कि एन दिया है मतलब प्राकृत संख्या होगी, W दिया है मतलब पूर्ण संख्या होगी, I दिया है मतलब पूर्णांक संख्या होगी। तो ये एक संकेत है, जैसे विज्ञान में आप देखते हो हम हाइड्रोजन के लिए H यूज करते हैं, ऑक्सीजन के लिए O यूज करते हैं, तो जिस तरह से उसमें ये संकेतों का उपयोग करते हैं उसी तरह से यहाँ पे भी संख्याओं के समूह को दर्शाने के लिए इन संकेतों का उपयोग होता है। तो ये चीजें ना प्रश्न में दी नहीं है, लेकिन ये चीजें आपको याद रखनी है कि N अगर दिया है तो मतलब कौन सी संख्या होगी, W है तो कौन सी संख्या होगी, ये आपको याद रखना होगा। हेलो टीचर। हाँ पूछिए टीचर, तीसरा वाला एक बार फिर से बताइए ना। ये वाला तीसरा जो अभी बोर्ड पे किया हुआ है। हाँ बच्चों, इस प्रश्न में आपको क्या कहा है, किसी समूह के 100 सदस्य, मतलब उस समूह में, उस समुच्चय में कुल कितने लोग हैं, 100 लोग हैं, इसमें से 72 सदस्य अंग्रेजी भाषा बोलते हैं। तो 72 लोग ऐसे हैं जो अंग्रेजी भाषा जिनको आती है, 43 लोग ऐसे हैं जिनको फ्रेंच भाषा आती है। ये 100 सदस्य अंग्रेजी तथा फ्रेंच, इनमें से कम एक भाषा बोलते हैं। 100 लोग ऐसे हैं जिनको या तो अंग्रेजी आएगा या तो फ्रेंच आएगा या दोनों आएगा, मतलब ये दोनों भाषा में से 100 लोग ऐसे हैं जो अंग्रेजी या फ्रेंच दोनों भाषाओं में से किसी एक भाषा का उपयोग करते हैं। अब है कि आपको निकालना है कि कितने सदस्य सिर्फ अंग्रेजी बोलते हैं। तो जो हमारा 72 था वो यहाँ पे नहीं आएगा। क्यों नहीं आएगा? क्योंकि उस 72 के संख्या में कुछ सदस्य ऐसे भी हैं जिनको अंग्रेजी आती है, वो अंग्रेजी बोलते हैं, लेकिन उसके साथ साथ उनको और क्या आता है, फ्रेंच भी आता है। तो वो जो 72 नंबर है वो यहाँ नहीं आएगा। तो अब इसे हम कैसे निकालेंगे? अब जैसे हमने माना अंग्रेजी बोलने वाले सदस्यों की का समुच्चय है ए। अब कितने लोग हैं अंग्रेजी बोलते हैं? 72 लोग। तो एन ऑफ ए मतलब ए की संख्या कितनी होगी? 72 होगी। उसी तरह से माना फ्रेंच बोलने वाले सदस्यों का समुच्चय है बी। तो एन ऑफ बी मतलब फ्रेंच बोलने वाले सदस्यों की संख्या कितनी होगी? 43 होगी। अब कुल कितने सदस्य हैं अंग्रेजी या फ्रेंच, दोनों भाषा में कुल कितने सदस्य हैं? तो कुल कितने सदस्य हैं हमारे पास? 100 सदस्य हैं। तो अगर हम इन दोनों का संघ निकालेंगे तो हमारे पास उत्तर 100 आएगा, क्योंकि हमारे पास कुल 100 सदस्य दिए हुए हैं। तो n ऑफ a संघ b मतलब a संघ b की अगर हम संख्या निकालेंगे तो क्या आ जाएगा? 100। अब बच्चों ये सूत्र है जो हमें पहले प्रश्न संग्रह जब हम हल करते थे तो उसमें ना ये आपको एक सूत्र दिया हुआ है, ये सूत्र आपको ध्यान में रखना होगा, याद में रखना होगा ये सूत्र। ये सूत्र क्या है? a संघ b, नंबर ऑफ a संघ b बराबर n ऑफ a मतलब a की संख्या प्लस एन ऑफ बी मतलब बी की संख्या माइनस एन ऑफ ए प्रतिच्छेदन बी। अब इस प्रश्न में हमें क्या क्या दिया हुआ है? ए संघ बी हमें मालूम है, ए संघ बी कितना है? 100। तो ए संघ बी की जगह पे आपका क्या आ जाएगा? 100 आ जाएगा। एन ऑफ ए हमें मालूम है, ए की संख्या कितनी है? 72। तो एन ऑफ ए की जगह क्या आ जाएगा? 72। एन ऑफ बी कितना है? बी की संख्या कितनी है? 43। तो एन ऑफ बी की जगह आ जाएगा 43। फिर माइनस की जगह एन ऑफ ए प्रतिच्छेदन बी, एन ऑफ ए प्रतिच्छेदन बी की जगह। अब यहाँ पे हमें एन ऑफ ए प्रतिच्छेदन बी नहीं मालूम है, तो ये हमें निकालना है, मतलब ऐसे सदस्य जो दोनों भाषा बोलते हैं ये हमें नहीं मालूम, तो ये आपको निकालना है। अब ये निकालने के लिए हम देखेंगे, यहाँ पे आपका मिट गया है, बहत्तर में 43 जोड़ा तो कितना आ जाएगा? 115। अब अगर हमें n ऑफ a प्रतिच्छेदन b निकालना है तो हम क्या करेंगे, इसका पक्षांतर करेंगे, माइनस में है इस तरफ आया तो माइनस का पक्षांतर किया, क्या हो जाता है? माइनस अगर इस तरफ आया बराबर के तो वो प्लस हो जाता है, चिन्ह जो है वो बदल जाता है। तो n ऑफ a प्रतिच्छेदन b का पक्षांतर किया तो वो प्लस n ऑफ a प्रतिच्छेदन b हो गया,
115 जैसे दिया था हमने 115 वैसे ही लिख लिया है, 100 यहाँ पे प्लस में था, इसका पक्षांतर किया, प्लस का उल्टा माइनस, 115 में से 100 घटाया कितना आएगा, 15। तो 15 सदस्य ऐसे हैं जो अंग्रेजी और फ्रेंच दोनों भाषा बोल सकते हैं। अब हमें क्या निकालना है, केवल अंग्रेजी बोलने वाले सदस्यों की संख्या। तो अंग्रेजी बोलने वाले टोटल कितने सदस्य थे, 72। 72 में ये जो 15 है इनको अंग्रेजी तो आती है, साथ साथ ये और क्या बोलते हैं, फ्रेंच भी बोलते हैं। तो इस 72 में से हमको इन 15 को हटाना होगा। तो अगर हम 72 में से 15 को हटा दिए, 15 को माइनस कर दिए, तो कितना आ गया, 57। हाँ, अब फ्रेंच बोलने वाले सदस्य, सिर्फ फ्रेंच बोलने वाले सदस्य अगर निकालना है तो हमें क्या करना होगा, एन ऑफ बी में से एन ऑफ ए प्रतिच्छेदन बी को घटाना होगा। एन ऑफ बी आपको कितना दिया था, 43। ए प्रतिच्छेदन बी हमने निकाला है, कितना निकाला है, 15। 43 में से 15 को घटाया तो 28। 28 सदस्य जो है वो केवल फ्रेंच बोलते हैं। बच्चों इसको ना हम एक वेन डायग्राम जो है ना इसकी सहायता से भी हल कर सकते हैं। वो सिर्फ इसलिए है कि अगर आपको प्रश्न में पूछा जाए कि वेन डायग्राम से इसका उत्तर बताइए तो आप कर सकते हो ये, और बाकी तो एक तरह का समझिए शॉर्टकट है ये हमें, लेकिन प्रश्न जब पूछेंगे तो हमें इस तरह से पूरा हल करना पड़ेगा। ये अगर आप चाहो तो क्रॉस चेक करने के लिए देख सकते हो। अब यहाँ पे आप देखोगे कि दोनों का प्रतिच्छेदन हमें कितना मिला था, 15 मिला था, 15 ठीक है। अब सिर्फ अंग्रेजी बोलने वाले कितने थे, 72, मतलब ये पूरा जो संख्या था वो 72 था। तो अगर हमें सिर्फ अंग्रेजी बोलने वाला निकालना है तो हमें क्या करना होगा, 72 में 15 को घटाना होगा। तो 72 में अगर आप 15 को घटाते हो तो यहाँ पे केवल अंग्रेजी बोलने वाले 57 आ जाएंगे, और केवल फ्रेंच बोलने वाले कितने आ जाएंगे, उसके लिए हमें क्या करना होगा, 43 में 15 को घटाना होगा। तो 28 हैं जो केवल फ्रेंच बोलते हैं। तो इस तरह से भी आप अपने आंसर को चेक कर सकते हो, लेकिन अगर आपको ये प्रश्न लिखना है तो आपको ये पूरा प्रश्न हल करना होगा। समझा, थैंक यू टीचर, वेलकम। और कोई, और किसी को पूछना है कुछ, और किसी को कोई डाउट है, क्वेश्चन पूछना चाहता है कोई, यहाँ पे मैं देख रही हूँ हैंड रेज है, आपको अगर प्रश्न पूछने हैं तो आप अपना प्रश्न पूछ सकते हैं। ठीक है, आपका अगर डाउट क्लियर हो गया है, आपके इसमें से जो प्रश्न पहला दूसरा तीसरा हमने हल किया, अगर इसमें आपको कोई डाउट नहीं है, आपकी शंका क्लियर हो गई है, तो हम यहाँ पे अपने इस लेक्चर को विराम देते हैं, इस लेक्चर को खत्म करते हैं। आपसे आशा करती हूँ कि ये जो प्रश्न पहला दूसरा तीसरा है, ये तीनों प्रश्न का आप प्रैक्टिस करोगे, अपने घर पे इसे सॉल्व करके देखोगे। आप एक बार खुद से सॉल्व कीजिए, उत्तर हमें मालूम है किस तरह से हल करना है, हमें वो मेथड मालूम पड़ गया, तो आप बिना देखे खुद से सॉल्व कीजिए, क्योंकि ये हमारा रिवीजन है, ये सब हम पहले भी पढ़ चुके हैं। तो खुद से सॉल्व कीजिए और देखिए आपका उत्तर सही आता है या नहीं, और अगर उसमें आप कहीं अटकते हो तो आप इसका आप गाइडेंस ले सकते हो, और अगर फिर भी आपको डाउट है तो हम अपने अगले लेक्चर में इन सभी चीज़ों पे चर्चा कर सकते हैं, आप अगले लेक्चर में इस पे क्वेश्चंस पूछ सकते हो। तो बच्चों यहाँ पे मैं अपना ये जो लेक्चर है इसे ख़त्म करती हूँ, धन्यवाद।